हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, काफ़ी बहनों की सुझाव है कि एक बार मैं फिर उन्हें डोरी कैसे बनाते हैं इजीली तरीके से, थोड़ा सा कोई इजी हो तो वो मैं बताऊं। तो मैं उनको फिर से एक बार ये जो डोरी बनाना बता रही हूं कि हम इस धागे को यूज करके इजीली से कैसे डोरी बनाएं। तो ये धागा हमें ऐसे स्टिच करना है यहाँ धागे में, इस धागे को फोर फोल्ड में पो करके, तो वो मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये उरेप साइड कपड़ा लेना है हमें जो बदने वाला हो, तो ये उरेप कपड़ा मैंने लिया है और इसको मैं 1.25 इंच की चौड़ी पट्टी कटिंग कर रही हूँ। आप भी 1.25 इंच की चौड़ी पट्टी कटिंग कर लें उरेप को। और अगर आपको जॉइंटेड, जैसे कि हमें डोरी एक साथ में लंबी बनानी हो, तो हमने मैं आपको इसको जोड़ करके भी बताऊंगी कि हम इसको कैसे जोड़े और कैसे इसको जो है वो फिर हम इसकी इसके अंदर से डोरी निकाल ले, धागे को जॉइंट के अंदर से भी निकाल ले आगे। तो पहले हम इसको यहाँ से स्टिच करेंगे जॉइंट के बाद, आप जॉइंट में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें कट कर लेना है। ध्यान रखिए हमारा जो जॉइंट, देखिए इस प्रकार से बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इसको आप ऐसे चीर ले, ये हमारा जॉइंट चीरिज गया है। अब हम यहाँ इससे स्टार्टिंग करते हैं। आपको बता देती हूँ कि कैसे हमें सिलना है इसको। ऐसे देखिए, इसकी हम तीन पार्ट करेंगे। एक पार्ट ऐसे फोल्ड हो गया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट है जो छोटा हमने साइड में रखा है, इस पार्ट को आप रफ कपड़े पे इसका अभ्यास करें और इसको हमें यहाँ से स्टिच करना है। जो ये देखिए, इसको ऐसे फोल्ड कर लें आप, और फोल्ड करने के बाद ये जो कपड़ा हम फोल्ड करते हैं इस पे हमें ऐसे बिल्कुल धागे जितना स्पेस रखते हुए और स्टिच करना है हमें। तो आपको देखिए, जो सिलाई है बिल्कुल बारीक ना करें और मीडियम साइज की सिलाई रखें। और इस प्रकार से पहले ऐसे फोल्ड करें, इसके बाद ऐसे फोल्ड करें और जितनी हमारी धागे की चौड़ाई है उतनी हमें यहाँ पे स्टिचिंग करनी है। अब ये देखिए, यहाँ जॉइंट आएगा तो मैं जॉइंट से पहले इसको ओपन रख लूंगी, जॉइंट से पहले तक की स्टिचिंग करूंगी। जॉइंट के पास में थोड़ा सा ओपन रख लूंगी, मतलब की सिलाई नहीं करूंगी। ये सब मैं आपके लिए कर रही हूँ ताकि आपको जब जॉइंट आए तो आपको दिक्कत नहीं आए। इसको 1 इंच ऐसे छोड़ दिया है बिना स्टिच किए, बाकी के जो आगे का पार्ट है उसको फिर हम स्टिच कर रहे हैं। तो 1 इंच आप इसमें छोड़ दें ताकि हमें जब डोरी को निकालें तो बहुत आसानी हो जाए। तो जॉइंट था वहाँ पे, मैंने इसको ओपन छोड़ दिया है। अब हम फिर यहाँ इसकी लॉन्ग स्टिचिंग कर रहे हैं। धागे को हम ऐसे लेंगे, सुई में छोटा सा धागा रखेंगे, ये देखिए ये इतना सा है, और यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। अब धागे को आप ऐसे ऊपर ले जाइए जहाँ ये धागा है, धागे को फिर यहाँ से आपको सुई को ऐसे गांठ लगानी है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने इसमें गांठ लगा दी है। जैसे भी आप इसको जैसे ऐसे गोल किया और नीचे से आप सुई निकालोगे तो यहाँ पे इसकी गांठ लग जाएगी। तो ये यहाँ पे गांठ लग के ये मजबूत हो गया है, यहाँ से ये हिस्सा मजबूत हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा हिस्सा आप उसको कट कर दें, ठीक है। ये इतना सा रखा है हमने, और ये देखिए बिल्कुल मजबूत आपकी गांठ होनी चाहिए और फोर फोल्ड का आपका धागा होना चाहिए। अब जो मैंने फोल्ड किया हुआ है, ये जैसे अभी आपने मैंने इसको सिल के आपको दिखाया है, इसमें हमें इसको ऐसे घुमाना, जो हमारी ये जो खुली साइड है यहाँ पे बिल्कुल बारीक बारीक सिलाई की हुई है, आपको अच्छे से दिख रही होगी। तो आपको इसमें ऐसे ऐसे ले जाना, देखिए ये इसको हम ऐसे उल्टी सुई है और इसको हम अंदर ले जा रहे हैं, ठीक है। और ऐसे हम ये आगे चलना है, इसको आपको अच्छे से दिख जाए ऐसे मैं प्रयास करूँगी। ये यहाँ तक आ गई, जैसे अब देखिए ये जो धागा है हमारा इसके अंदर चला जाना चाहिए। स्टार्ट में ये थोड़ा सा हार्ड होता है, यहाँ से आपको अंदर डालना है। तो आप इसको ऐसे पकड़ करके, ये देखिए ये आपका धागा अंदर चला गया है। अब आपको बहुत बिल्कुल फटाफट में ऐसे अंदर चलते जाना है। ये देखिए ये आपका धागा ऐसे अंदर चलता जाएगा, ये हमारा धागा
ये यहाँ अंदर है और ये सुई है, इसको हमें ऐसे आगे से आगे चलाते रहना है। बिल्कुल आसान है इसको डोरी बनाना। ये जो डोरी डाल रहा आप उसमें सिलाई हम करते हैं मशीन के अंदर पैर बदल करके, इससे भी ये सरल जो होती है पाइप। तो ये यहाँ लास्ट कॉर्नर तक निकल गई है, इस धागे को हमने यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, अब ये आपकी डोरी वैसे बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। अब जो देखिए बीच सेंटर जहाँ जॉइंट था यहाँ पे ये ओपन है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐसी स्टिचिंग कर लेना है। बस ध्यान ये रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल धागे के ऊपर ना आए, आपका धागा बिल्कुल साइड में रहे और आपको बड़ी सिलाई कर लें और धागे के पास पास में इसको ऐसे स्टिच कर लें। तो ये हमारी जो है बिल्कुल आसानी से बनने वाली जो डोरी है वो तैयार हो गई है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। ये देखिए जहाँ हमने खुला छोड़ा था वहाँ पे हमने इसको सील लिया है, ये यहाँ का जॉइंट था तो ये हमने इसको सील लिया है और ये हमारी बिल्कुल बराबर की, ये देखिए ये जो धागा है ये डोरी है जो हमने इसको इसमें से निकाल ली है। तो बहुत आसानी से और निकल जाती है, जहाँ जॉइंट आता है वहाँ से ओपन रख लें फिर आप ऐसे स्टिच कर लें। तो अच्छी लगी हो तो इसको वॉच कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और देखिए थैंक यू फॉर आपको इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट जो डिज़ाइंस की वीडियो आए वो भी देखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।